मॉर्निंग। इंटर पॉलिशन एक्स्ट्रा पॉलिशन में हम तीन मेथड पढ़ चुके हैं। पहला था बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड, सेकंड न्यूटन डिफरेंस मेथड और तीसरा था लैंग्वेज मेथड। और अब हम चौथे मेथड में आ गए हैं। इसका नाम है पैराबोलिक कर्व मेथड। पैराबोलिक कर्व मेथड का दूसरा नाम कर्व फिटिंग मेथड भी कहा जा सकता है। एक्चुअली ये मेथड सभी सिचुएशन में हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये आवश्यक है कि उसके लिए हमें एक्स वैरी के बारे में पूर्णतया जानकारी होनी चाहिए और वाई वैरी का कोई मिसिंग वैल्यू जो है उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके संबंध में हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इक्वेशन एक्सप्रेस करने पड़ेंगे। और इक्वेशन एक्सप्रेस करने के लिए ये आवश्यक है कि हमारे पास जितने भी वैल्यू नॉलेज में हैं उसके आधार पर हम इक्वेशन बनाएंगे, और जितने भी वैल्यूज हमारे पास हैं उसके अकॉर्डिंग पावर लगा करके इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ऐसी स्थिति में यदि हमारे पास तीन प्रकार की वैल्यू हमें पता है, तो ऐसी स्थिति में तीन प्रकार की वैल्यू पता होने पर जो हमारा इक्वेशन बनेगा वह आपके पावर टू वाला बनेगा। पावर टू का मतलब है कि 3-1=2, और इसका इक्वेशन जो बनेगी वह बनेगी y=a+bx+cx2। और इसी प्रकार से यदि हमें चार वैल्यू पता है तो पावर थ्री वाला इक्वेशन बनेगा, और पावर थ्री वाला इक्वेशन का जो फॉर्मूला है या इक्वेशन जो बनेगी वह बनेगी 4-1=3, और इक्वेशन बन जाएगी y=a+bx+cx2+dx3। अब इसमें ये ज़रूरी है कि जो वैल्यू मिसिंग है उसे हमें सपोज जीरो बनाना है। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 2005, 6, 7, 8 और 9। और इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, यूजिंग द पैराबोलिक कर्व मेथड एस्टिमेट द सेल्स फॉर द ईयर 2006 फ्रॉम द गिवन डाटा। ये मिसप्रिंट है, 2007 होना चाहिए, 2007 गिविंग डाटा, और आपको ईयर दे रहा है 2005, 6, 7 की मिसिंग है 8 और 9। तो जो 2007 का जो मिसिंग है उसको हम जीरो मान लेंगे, और इसके आधार पर आपको जिस प्रकार से हम डिवीजन निकालते हैं, क्वेश्चन हम अरेंज करेंगे एनालिटिक टेबल में और ईयर लिख देंगे 2005, 6, 7, 8 और 9, और उसके बाद में हम 2007 को जीरो मान लेंगे, और इस जीरो मानकर और वाई जीरो को हम ए मानेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर डिवीजन के आधार पर देखा जाए तो 2007 से 2005 -2, फिर 2007 -2006 -1, और 8 और 9 में +1 +2। तो ये आपके डिवीजन आ गए। और वाई वैरीज के अंतर्गत आपको वैल्यूज दी हुई हैं या सेल्स दी हुई हैं, करोड़, 50, 75, y0 = a माना जाएगा 145 और 200। तो हमें अपने को y0 = a का ही वैल्यू निकालनी है। तो आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए या एनालिटिक टेबल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें चार वैल्यू पता है, तो हमको पावर थ्री वाला इक्वेशन फॉलो करना है। पावर थ्री वाला इक्वेशन जो बनता है वह y=a+bx+cx2+dx3 ये बनेगा। तो आप लोगों के पास वाई वैरी की वैल्यू दी हुई है, =इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन में a-2b कहाँ से आया, ये ऊपर जो इक्वेशन है सारी पॉजिटिव है, +bx+cx2+dx3, लेकिन हम अगर इसको x से गुणा करते हैं bx तो -2 को -2 into b, तो ये -2
बी हो जाएगा। इसी प्रकार से प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो माइनस टू इंटू माइनस टू पॉजिटिव हो गया 4, और ये आंसर आ जाएगा 4c। इसी प्रकार से माइनस फिर आपके एक्स क्यूब है, तो माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू, तो आपके माइनस 8 हो जाएंगे और वह डी हो जाएगा। इसी प्रकार से 2006 के लिए लिया जाए तो इक्वेशन बन रही है आपके ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। ये कैसे बना मैं आपको बता रही हूँ, इक्वेशन में आप ऊपर चले जाइए। ए जो है ए अपने आप में ए की है, तो ए इंटू वन ए जो है उसके पास में कोई एक्स नहीं है, तो ए को ए रहने दीजिए, लेकिन आगे चल के बी एक्स बी को माइनस वन से गुणा करेंगे तो माइनस बी हो जाएगा। फिर सी को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस वन इंटू माइनस वन इजिकल टू पॉजिटिव हो जाएगा, तो सी प्लस हो जाएंगे। और फिर डी एक्स क्यूब को, तो माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, तो वह वन ही कहलाएगा लेकिन माइनस डी कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये 75 इजिकल टू ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। इसी प्रकार से आपके y इजिकल टू ए हो गया। फिर आपके पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव में आपका वही फार्मूला लीजिए ऊपर जो दिया हुआ है, y इजिकल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स क्यूब। तो 1 से मल्टीपल एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे तो 1 है, 1 को पुट करते हुए आंसर निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा। इसी प्रकार से उसी ऊपर वाले इक्वेशन में हम एक्स की वैल्यू 2 है, तो 2 को पुट करते जाएंगे, मतलब 2 को पुट करेंगे तो एक बार मैं बता देती हूँ, ए प्लस 2 इंटू बी प्लस 2 इंटू 2 इंटू सी प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू डी। तो इन सबको अगर हम गुणा करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 200 इजिकल टू ए प्लस 2 बी प्लस 4 सी प्लस 8 डी। और इसके बाद में हमारे पास इक्वेशन तैयार है, तो हम ये देखेंगे जो सिमिलर इक्वेशन है उनको एक साथ में बिठा करके और हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, और जो अनसिमिलर है उनको अलग रखेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि पहला और पांचवा सिमिलर इक्वेशन है, क्योंकि आपके में जो एक्स की वैल्यू है 2, 4, 8 सेम है, तो एक और पाँच को आपस में मल्टीपल करने पर एडिशन करने पर आपके आंसर आ जाएंगे 2a प्लस 8c इजिकल टू 250। इसी प्रकार से सेकंड एंड फोर्थ इसका एडिशन करेंगे तो आंसर आ जाएंगे 2a प्लस 2c इजिकल टू 220। अब सिक्स्थ और सेवन्थ को फिर हम सब्सट्रैक करेंगे, तो सिक्स्थ में से सेवन्थ किया, छठे वाले इक्वेशन में से सातवां घटाया, तो हमारी वैल्यू आ गई सी इजिकल टू 5। अब सी की वैल्यू हम किसी भी सिक्स में या सेवन्थ में किसी में पुट कर सकते हैं, इन्होंने सिक्स में की है, तो आपका ए की वैल्यू आ गई 105। तो हमारा इंटरपोलेटेड ईयर जो 2007 थी उसकी सेल्स हमारी आंसर आ गई 105 करोड़। तो इस प्रकार से पैराबोलिक मेथड सॉल्व करना है। मैंने एक आधा क्वेश्चन और भी रखा है, इसके बाद में आप अपने आप करने की कोशिश कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। आपके पास बुक हो तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।